सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो घमासान जारी है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों दल के नेता आर पार के मूड में आ गए हैं। एलजेपी जेडीयू को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। और तो आपको बता दें कि सिटी पोस्ट लाइव के साथ खास बातचीत में विजेंद्र यादव ने चिराग पासवान पर हमला करने के चक्कर में कर्पूरी ठाकुर का नाम क्या ले लिया, एलजेपी ने बवाल मचा दिया। दरअसल विजेंद्र यादव ने ये कहा था कि बड़े बड़े नेताओं के बेटे जो है वो राजनीति अच्छा नहीं करते। राजनीति में आगे वही बढ़ता है, मुख्यमंत्री वही बनता है जो जमीन का नेता होता है। कहां सतेंद्र बाबू और कर्पूरी ठाकुर के बेटे कुछ कर पाए। अब फिर क्या था, कर्पूरी ठाकुर का अपमान किए जाने का आरोप एलजेपी ने लगा दिया। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव द्वारा दिए गए इस बयान पर एलजेपी की ओर से करारा पलटवार किया गया। एलजेपी नेता अशरफ अंसारी ने कहा है कि एक तो नीतीश कुमार खुद कृपा पर मुख्यमंत्री बने और लोग उनकी कृपा पर मंत्री बने हैं, उनका अपने मालिकों के लिए बोलना जायज है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि पीएम मोदी की कृपा पर ही ये सीएम बने हैं, ये जानते हुए भी पीएम का अपमान करने से नहीं चूकते, तो इनके नेताओं की बात कौन करे। अंसारी ने ऊर्जा मंत्री द्वारा चिराग पासवान पर किए गए बयानबाजी को लेकर कहा कि बिहार की जनता जो है वो कोरोना महामारी की मार झेल रही है। जब कोई जनता के हक की बात करता है तो इन्हें तिलमिली हो जाती है, ये लोग बड़बोलेपन के शिकार हैं। अब आलम ये है कि इनमें अपने ही नेताओं के साथ बयानबाजी के कंपटीशन में लगे हुए हैं। ये सारे लोग अपने ही लोगों के साथ में कंपटीशन में है। जब कोई सच बोलता है तो अपने आका के प्रति वफादारी दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिकों को दीजिए इजाजत।